अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जाने फाती किचन और आज हम बना रहे हैं खट्टी दाल। खट्टी दाल बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक पॉट ले लिया। पॉट के अंदर हम ऐड कर देंगे दाल, हमने ले ली है मसूर की दाल, हमारे पास है एक पाव, इसको ऐड कर देंगे। हमने इसको वॉश कर लिया सिंपली। अब हम इसमें ऐड कर देंगे एक हमने अनियन ले लिया बड़े साइज, इसको रफली कट कर लिया। तीन हमने टमाटोज ले लिए, इसको भी रफली कट कर लेंगे हम और इसे ऐड कर देंगे। हाफ टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे रेड चिली पाउडर। हल्दी ऐड कर देंगे इसमें हम 1 टीस्पून, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और इसमें हम पानी ऐड कर देंगे 2-2.5 ग्लास। 2-2.5 ग्लास हम इसमें पानी रख देंगे और इसे 10 मिनट के लिए कुक करने रख देंगे बॉईल आने के बाद मीडियम फ्लेम पर। हमने फ्लेम ऑन कर दिया और इसको हम बॉईल आने के बाद तो 10 मिनट के लिए कुक करने छोड़ देंगे। अगर 10 मिनट में टेंडर हो गए तो ठीक है, अदरवाइज़ इसकी टाइमिंग ज़्यादा भी कर सकते हैं हम। मैं इसको प्रेशर कुकर में कुक करूँगी, आप चाहते हैं तो विदाउट प्रेशर भी कुक कर सकते हैं। अगर आपने प्रेशर में कुक करनी है तो 2 मिनट हम प्रेशर करेंगे इसको और ये अच्छी सी टेंडर हो जाएगी। 1 टीस्पून हम इसमें कुटा हुआ लहसुन भी ऐड कर देंगे, वो मेरे से मिस हो गया था, अब ऐड कर देंगे। और हमने इसकी फ्लेम को ऑन कर दिया। ये देखिए हमारी दाल कितनी अच्छी सी टेंडर हो चुकी है। अब हम इसे मैश कर लेंगे किसी मैशर से। देखिए अब हमने इसको मैश कर लिया और इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। पानी हमने ले लिया 1 से 2 ग्लास और इसको अच्छा सा कुक करने के लिए हम छोड़ देंगे ताकि इसमें बॉईल आ जाए। ज़्यादा थिक हम दाल को नहीं रखेंगे, अगर आप थिक रखना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैं थोड़ी थिन ही रखूँगी दाल को। देखें इतनी थिनी काफ़ी है दाल की थिकनेस। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 अदद हरी मिर्चें, हमने थोड़ी बड़ी बड़ी साइज़ की कट करनी है, ये ऐड कर देंगे और इसको छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से इसमें बॉईल आ जाए। हम इसमें 1 टेबलस्पून आमचूर ऐड कर देंगे, और अगर आपके पास आमचूर अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें इमली का पल्प भी ऐड कर सकते हैं 2 से 3 टेबलस्पून, ताकि हमारी दाल अच्छी सी खट्टी सी हो जाए। और अब हम इसका तड़का रेडी कर लेंगे। तड़का रेडी करने के लिए हमने ले ली है अनियन, हमारे पास है 2 टेबलस्पून अराउंड, इसको हम कट करके तो इसमें 5 टेबलस्पून हमने घी ले लिया है, इसको प्री हीट करके तो हमने इसमें ऐड कर दी है अनियन। और इसके अंदर हम इसको थोड़ा सा लाइट गोल्डन कर लेते हैं पहले। देखिए हमारी अनियन लाइट गोल्डन होना स्टार्ट हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे, हमने ले लिया 1/2 टीस्पून हमारे पास है ज़ीरा, वाइट ज़ीरा, ये ऐड कर देंगे। 1/3 टीस्पून है हमारे पास राई, ये ऐड कर देंगे हम इसके अंदर। और 5-6 हमारे पास है कड़ी पत्ता, ये भी ऐड कर देंगे हम। और गार्लिक हमने ले लिया है थोड़ा सा, हमारे पास गार्लिक है 1/4 टीस्पून, क्योंकि हमने दाल में ऑलरेडी ऐड कर दिया था, ये भी ऐड कर देंगे इसके अंदर चॉप गार्लिक। और इसकी फ्लेम को हम अब ऑफ कर देंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे हमारे पास है कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, ये भी ऐड कर देंगे, ये लास्ट में ऐड करेंगे ताकि हमारी ये चिली फ्लेक्स बर्न ना हो, अगर हम पहले ही ऐड कर देंगे तो सारे ये जल जाएंगे। चलिए अब हमारा तड़का रेडी है और हम दाल के अंदर अब ऐड कर देंगे गरम मसाला 1 टीस्पून। अब हम इसमें ऐड कर देंगे तड़का, और थोड़ा सा मैं बचा लूँगी ताकि मैं डिश आउट टाइमिंग पर डाल दूँ। और इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून हमने ले लिया है गरम मसाला, ये भी ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे। आप इसे राइस के साथ सर्व करें, रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ बड़े मज़े का टेस्ट लगता है इसका, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हरा धनिया, हरा धनिया भी ले लिया है हमने 2-3 टेबलस्पून, ये भी हम इस पॉइंट पर ही इसमें ऐड कर देंगे। बस ये हमारी दाल रेडी है और इसको डिश आउट कर लेते हैं। फ्रेंड्स हमारी खट्टी दाल रेडी टू ईट है, आप इसे इंजॉय करें, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको टाइम पर देखने को मिले। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग जेफ के चैनल। अल्लाह हाफिज़।